वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। माय सेल्फ विश्वास सिंह राजपूत, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड स्टाइलिंग सब देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पहले शू वाली वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू। एंड मैं फिर से आ चुका हूँ स्पार्क के एक नए आर्टिकल के साथ, स्पार्क SM171। आइए देखते हैं। आपको तो पता ही होगा चंकी स्नीकर्स क्या होते हैं। नहीं। चंकी स्नीकर्स वो होते हैं जो बड़े दिखते हैं एंड इनमें हाई सोल यूज होता है। ये दो तीन मटेरियल से मिलके बनता है, जैसे कि पॉलिस्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर एंड मैश से। चंकी स्नीकर्स बेसिकली आपको ओवरसाइज लुक देते हैं। चंकी स्नीकर्स बहुत ही महंगे होते हैं अगर आप ब्रांड की तरफ जाए तो, लेकिन सुनो, मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे अंडर बजट वाइट चंकी स्नीकर्स लेके आया हूँ। वाइट इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं स्टाइलिंग करने के लिए। तो बात करें पहले इसकी ब्रांडिंग की। सबसे पहले इसके टंग पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है एंड इसके साइड में स्पार्क्स का लोगो एंड स्लोगन देखने को मिलता है। फिर इसके दूसरे साइड पे स्पार्क्स का स्लोगन है, पीछे लोगो दिया हुआ है एंड इसके आउटसोल पर स्पार्क्स की ब्रांडिंग मिलती है। अपर मटेरियल की बात करें तो ये चंकी स्नीकर्स हैं, इसलिए इसमें दो तीन मटेरियल का यूज़ करा गया है जो कि हाई क्वालिटी सिंथेटिक लेदर एंड पॉलिएस्टर फाइबर है। इसके फ्रंट में होल्स है जो कि शूज को ब्रीथेबल बनाता है एंड स्वेटिंग एंड हीट से बचाता है। इसका जो आउटसोल है वो TPR थर्मोप्लास्टिक रबर का बना है। ये एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिजाइन करा गया है। ये ग्रिप अच्छी प्रोवाइड करता है, ये ड्यूरेबल है, वॉशेबल है और यही सोल इस शूज को थोड़ा सा हैवी बनाते हैं। मैंने ये शूज़ पहन के रनिंग करी, कार्डियो करा, इसको पहन के बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता। बट इसका यही है कि ये लाइट वेट नहीं है, थोड़ा सा हैवी है। इसके इंसोल की बात करें तो यहाँ पर ईवल एयर का यूज़ करा गया है विथ अल्ट्रा कुशनिंग एंड ये बहुत ही कम्फर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि स्पार्क्स ने इसको एक रनिंग एंड स्पोर्ट्स शू की तरह बनाया है। अंदर से ये काफ़ी कम्फर्टेबल है बट मैं इसे यहाँ पे एज ए चंकी स्नीकर्स की तरह इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसकी टंग एंड कॉलर कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, ये आपके पैर में बिल्कुल भी नहीं चुभता एंड इसके प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। मैंने इसका साइज UK 8 मंगाया है एंड ये मेरे पैरों में बिल्कुल परफेक्ट फिट आ रहा है। साइज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको इसकी स्टाइलिंग करके भी दिखा देता हूँ। बेसिकली दीज शूज गो वेल विद बैगी क्लोथ्स। आप इसको स्लिम फिट पे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं बट जो चंकी स्नीकर्स का रियल लुक एंड फील है ना, वो बैगी क्लोथ्स पे आता है। अब मुद्दे की बात करें, मतलब इसकी प्राइसिंग। बॉक्स पे आपको 1650 रुपये देखने को मिलता है। मैंने इसे 1200 रुपये खरीदा था मिंत्रा से एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। इस शूज़ को आप जियो मार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे है एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये व्हाइट कलर में नहीं लेना तो इसमें भी आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आपको चंकी स्नीकर्स ही नहीं लेने तो आप कैजुअल व्हाइट स्नीकर्स भी ले सकते हैं। इस पर मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको ये शूज़ कैसे लगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर ऑल अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी और धमाकेदार वीडियोज़ के साथ।